मैं बहुत इस्तकबाल करता हूँ। तो बहुत मुजाहिद के साथ एक शायर यहाँ पर आया है, अपनी मोटरसाइकिल लेकर 250 किलोमीटर का सफर करके नदीम इब्ने नईम साहब धुरियवी यहाँ तशरीफ लाए हैं। मैं उन्हें आवाज दे रहा हूँ, इन अशआर के जरिए उन्हें आवाज दे रहा हूँ कि जला दिया शजरे जहाँ के सब्ज वक्त न था, जला दिया शजरे जहाँ के सब्ज वक्त न था, किसी भी रुख में हरा हो ये वो दरख्त न था, जरा सी जड़ से मैं भी तो टूट सकती थी, मेरी तरह से तबीयत का वो भी सख्त न था। नदीम इब्ने नईम अस्सलाम वालेकुम। मैं चाहता हूं कि पहले जो मेरा जाहिर है वो पहले आया हो जाए, फिर आगे जिंदगी का जो हमारी जिंदगी का मकसद है अल्लाह को राजी करना है ना, हम पहले उससे मुस्तफिज हैं। पहले मैं शेर पेश करता हूं सदर साहब। जो दुरखों की रवायत से मोहब्बत करने वाले हैं, पुरखों की रवायतें क्या हैं आप जानी, जो पुरखों की रवायत से मोहब्बत करने वाले हैं, जो पुरखों की रवायत से मोहब्बत करने वाले हैं, शरीयत के महाफिज हैं, कयादत करने वाले हैं, शरीयत के महाफिज हैं, कयादत करने वाले हैं। और उससे पेश कर रहा हूँ एक पैगाम कि पियेंगे जाम कौसर का वही जन्नत में जाएंगे, वही जन्नत में जाएंगे, पिएंगे जाम को सरकार वही जन्नत में जाएंगे, जो अपनी नूर नीमा की हिफाजत करने वाले हैं। शुक्रिया बहुत शुक्रिया। जो अपने नूर नीमा की हिफाजत करने वाले हैं, रूही के वास्ते तस्लीम की नहर हो रहे हैं, रूही के वास्ते तस्लीम की नहर हो रहे हैं, उन्हीं के वास्ते तस्लीम की नहर आखिर में जो उठ कर रियाजत करने वाले हैं, सबे आखिर में जो उठ कर रियाजत करने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। पता रखा सुन शेर कि खुदा खुद ढाप देता है उन्हें रहमत की चादर में, खुदा खुद ढाप देता है उन्हें रहमत की चादर में, खुदा खुद ढाप देता है उन्हें रहमत की चादर में, वो बंदे जो गुनाहों पर नदामत करने वाले हैं, वो बंदे जो गुनाहों पर नदामत करने वाले हैं। बहुत शुक्रिया। और मैं सिर्फ सुन लें कि अमानत बन के पहुंचा था ये दीन अल्लाह का हम तक, अमानत बन के पहुंचा था ये दीन अल्लाह का हम तक, अमानत बन के पहुंचा था हम तक, खुदा बख्शे हमें हम तो खयानत करने वाले हैं, खुदा बख्शे हमें हम तो खयानत करने वाले हैं। बहुत शुक्रिया।
मकसद का बोले शेर कि मुसलमानों संभल जाओ सलफ की तर्ज अपनाओ, मुसलमानों संभल जाओ सलफ की तर्ज अपनाओ, मुसलमानों संभल जाओ सलफ की तर्ज अपनाओ, हम इस दुनिया में कौमों की इमामत करने वाले हैं, हम इस दुनिया में कौमों की इमामत करने वाले हैं। मुक्ता का शेर कि शरीयत नाज करती है नबी की जसारत पर, शरीयत नाज करती है नबी की जसारत पर, शरीयत नाज करती है नबी की जसारत पर, के जो तहजीब मगरब से बगावत करने वाले हैं, के जो तहजीब मगरब से बगावत करने वाले हैं। बहुत शुक्रिया आपने मेरी ये गजल जो मैंने कही दीनी गजल आपने सुनी, बहुत शुक्रिया। अब एक और गजल पेश कर रहा हूँ, समाप्त करें। नेक नाम ये शोहरत के बाब रहने दो। अभी बहुत से लोग यहाँ पर माशाल्लाह अभी अवार्ड दिया गया, उनको मैं पेश कर रहा हूँ इस शेर कि ये नेक नाम ये शोहरत के बाब रहने दो, ये नेक नाम ये शोहरत के बाब रहने अभी तो पहला कदम है खिताब रहने दो, अभी तो पहला कदम है खिताब रहने दो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, पेश करता हूँ शेर कि हमारा दिल है ये आबाद हो नहीं सकता, हमारा दिल इसे तो बस यही खाना खराब रहने दो, इसे तो बस यही खराब रहने दो। बहुत शुक्रिया, फिर कहता हूँ मैं हमारा दिल है ये आबाद हो नहीं सकता, हमारा दिल है ये आबाद हो नहीं सकता, इसे तो बस यूं ही खाना खराब रहने दो। बहुत शुक्रिया कभी साहब, सुने कि मैं अपने इश्क का इजहार करने वाला हूँ, मैं अपने इश्क का इजहार करने वाला हूँ, मैं अपने इश्क का इजहार करने वाला हूँ, तुम अपनी नजरों में कायम हिजाब रहने दो, तुम अपनी नजरों में कायम हिजाब रहने दो। बहुत शुक्रिया, और से अपील करता हूँ कि ये कौन कहता है तुम तोड़ दो कसम अपनी, ये कौन कहता है तुम तोड़ दो कसम अपनी, फकत सवाल ही सुन लो जवाब रहने दो, फकत सवाल ये कौन कहता है तुम तोड़ दो कसम अपनी, फकत सवाल ही सुन लो जवाब रहने दो। बहुत शुक्रिया, शेर पेश करता हूँ कि वो ख्वाब ही न सही हम कलाम है मुझसे,
वो ख्वाब ही में सही हम कलाम है मुझसे, वो ख्वाब ही में सही हम कलाम है मुझसे, मुझे न छेड़ अभी महवे ख्वाब रहने दो, महवे ख्वाब रहने दो। जी बहुत बहुत शुक्रिया, फिर करता हूँ मुझे जी फिर करता हूँ कि वो ख्वाब ही में सही हम कलाम है मुझसे, वो ख्वाब ही में सही हम कलाम है मुझसे, मुझे न छेड़ अभी महवे ख्वाब रहने दो, मुझे न छेड़ अभी महवे ख्वाब रहने दो। बहुत शुक्रिया। और ये शेर मैं अपने आप की नजर कर रहा हूँ कि सिफत ये इज्ज़त की अहसन तो है बहुत लेकिन, सिफत ये इज्ज़त की अहसन तो है बहुत लेकिन, कुछ अपनी ज़ात में बाकी अता बोलने दो, कुछ अपनी ज़ात में बाकी अता बोलने दो। और मरियम खलील साहब का ये मिसरा था, मैं तकदीम इसको पेश कर तकदीम समाप्त करें के हिसाब पहले चुकाओ जनाब हाजिर का, हिसाब पहले चुकाओ जनाब हाजिर का, हिसाब पहले चुकाओ जनाब हाजिर का, गए दिनों का अधूरा हिसाब रहने दो, गए दिनों का अधूरा हिसाब रहने दो। और इन्हीं मोहब्बत के साथ मक्ता सुनिए कि वफा गमों से करो ऐ नबी में इजाजत है, वफा गमों से करो ऐ नबी में इजाजत है, जरा फतेह भी मगर हम रकाब रहे। अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हो तो लाइक कमेंट और शेयर करें, और मजीद नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल दावत मीडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।